क्या आपको पता है प्लेन में चढ़ने के बाद फ्लाइट मोड को ऑन करना क्यों कंपलसरी होता है, और अगर फ्लाइट मोड को ऑन ना किया जाए तो प्लेन को क्या होगा? आपको ये तो पता ही होगा, प्लेन में चढ़ने के बाद एयरप्लेन मोड यानी कि फ्लाइट मोड को ऑन करना पड़ता है, लेकिन नहीं किए तो शायद प्लेन में कुछ गड़बड़ी आ सकती है। बट एग्जैक्टली होता क्या है तो सुनो, फ्लाइट मोड को ऑन करने से दो लोगों के ग्रुप को फायदा होता है, एक तो पायलट्स और दूसरा आप यानी पैसेंजर्स। कैसे? जब प्लेन हवा में टेक ऑफ करता है तब पायलट जो है उसको नीचे का कंट्रोल टावर से सिग्नल एंड कम्युनिकेशन मिलता है, एंड प्लेन को नीचे का कंट्रोल टावर गाइड करता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में वो कम्युनिकेशन होता है। पायलट हेडफोन लगा के रहते हैं और कंट्रोल टावर के इंस्ट्रक्शन को सुन पाते हैं। तो अगर प्लेन में कोई मोबाइल ऑन कर ले तो वो मोबाइल का सिम है ना, वो टावर को स्कैन करने लगेगा, धरती पे मौजूद टावर को। और ये स्कैनिंग है पायलट और नीचे के ग्राउंड टावर के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको इंटरफेयर करने लगेगा, उसको तोड़ने लगेगा, और पायलट को नीचे कंट्रोल टावर में बैठे इंसान की आवाज के बदले ऐसे जो इंटरफेरेंस का साउंड होता है, और अगर मान लीजिए प्लेन में सभी लोग ने ऑन कर दिया अपना मोबाइल फोन, तब पायलट के हेडफोन में इतना अनोइंग आवाज आएगा कि उसको इंस्ट्रक्शन मिल ही नहीं पाएगा और उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि आगे वेदर कैसा है, आगे कोई फ्लाइट तो पास नहीं कर रहा है, एंड ऑल दोस इंफॉर्मेशन जो उसको कंट्रोल टावर से मिलती है। तो नीचे मौजूद ग्राउंड कंट्रोल टावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लाइट की सेफ्टी के लिए, वो सेफ उड़ सके और सेफ डायरेक्शन में जा सके। तो इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लाइट जब तक हवा में है तब तक एयरप्लेन मोड को ऑन करने का रूल बनाया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर देना, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेगी।